बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई लोकल मंडी का मज़ा ही कुछ और है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये तो हमारी अपनी मंडी है जो कि सुराब गोड़ से हटा के दूसरी जगह पे लगाई गई है, और जगह को विज़िट कर रहा हूँ। आप लोग ज़रा कनेक्ट हूँ, ज़रा मंडी व्यू करते हैं कि मंडी बेसिकली है कैसी। मैं और मतलब टीम जो है साथ में, रिजवी भी साथ में, और विज़िट करते हैं। हमने भी यकीन मंडी नहीं घूमी है, और अभी लाइव के अंदर ही कोशिश करते हैं कि मंडी को ज़रा दिखाएँ कि मंडी बेसिकली लगी किस तरीके की है। कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मंडी का लाइव कैटल के एक टाइम के बाद कर रहा है, मतलब काफ़ी साल हो गए क्योंकि मंडी का लाइव हम लोग नहीं करते थे, छोड़ दिया था हम लोगों ने किसी वजह से, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कोई अभी ब्लॉक्स के बारे में पता चला है मुझे कि कितने ब्लॉक्स हैं, 700 एकड़ पर मंडी लगा दी है, ये दो चार इन्फॉर्मेशन मुझे अंदर आने के बाद मिली। ज़रा चलाओ, गाड़ी चलाना शुरू करो, उतर के दिखाऊंगा यकीनन। वालेकुम अस्सलाम, ज़रा ऐसी ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं सबसे पहली बात ये बता दें। वालेकुम सलाम भाई फरहान, कैसे हो यार? माशाल्लाह माशाल्लाह, बछड़े बछड़ियाँ जैसे एक सेटअप होता था वैसे ही लगा हुआ है। ये लोग मेरा ख्याल है ये सफ़ायर ब्लॉक है जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। बछड़ियाँ, छोटी बछड़ियाँ, हालाँकि रेट का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं रेट भी पूछूँगा इंशाल्लाह उतर के। बड़े बछड़े खड़े हुए मंडी का ये जो लाइव है। वैसे यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ देखने को मिली मुझे कि ब्लॉक सिस्टम बड़े अच्छे बनाए हैं, खुली खुली मंडी है, पहले की तरह वो तंग नहीं है कि जैसे रास्ते जो है ना चौड़े चौड़े रोड हैं, क्योंकि पहले से ये जगह काफ़ी अच्छी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और उसको मंडी की जो कहते हैं ना कि अब जगह करार दिया गया है, तो एक अच्छा लुक आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह हबीब, मेट्रो यानी कि ATM भी अवेलेबल है, क्या बात है भाई। ये ब्लॉक गोल्डन ब्लॉक होगा मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक सफ़ायर ब्लॉक के बोर्ड्स लगे हुए थे, गोल्डन ब्लॉक है, कोई KPK करके ब्लॉक उस दिन में रात को विजिट किया था मैंने। आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह जब दिन में खुद मंडी आऊँगा तो एक दफ़ा खुद विजिट करूँगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, और फिर हम लोग आपको बताएंगे कि भाई क्या है, मतलब मंडी का क्या सीन है, किस तरीके से लगी हुई है। तो आप लोग ज़रा कनेक्ट रहें, यहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है सिग्नल बिल्कुल है, माशाल्लाह गुलाबी बछड़ी, उतर के भी पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, ऐसा ही करते हैं। ज़रा मंडी घुमा रहा हूँ आपको, ऐसी देखते सिब्बी वाले भी बैठे हुए भाई। मंडी में काफ़ी जो है ना वो माल आ चुका है, मेरा ख्याल है जहाँ तक अगर नंबर्स जो मुझे बताए थे शायद 80 से 85 हज़ार माल आ चुका है। माशाल्लाह एक और गुलाबी बछड़ी खड़ी हुई है, माल तो बहुत आया हुआ पंजाब से, सिंध से भाई। अब दूसरी तरफ निकालो ज़रा गेट के बाहर, मेरा ख्याल है KP के यहाँ से, KP के ब्लॉक उस दिन देखा था रात को, यहाँ से यू टर्न ले लो। हम लोग खुद भी ज़रा मंडी विज़िट कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी पहला वो है कि विज़िट है, तो ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम, मंडी गए हो काफ़ी साल हो गए? हाँ यार, हम लोगों को काफ़ी साल हो गए। रसम खाली मंडी है? नहीं यार, खाली नहीं है भाई, मंडी के ये ब्लॉक जो है यहाँ से शुरू किया है, मंडी के अंदर बहुत माल है। मैं अभी यूँ समझो कि अगर ड्रोन से अगर वीडियो बना रहा होता तो आप लोगों को सही से व्यू मिलता, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल। अरे माशाल्लाह, रोक रोक के गुलाबी बछड़े दिखाओ ना यार, ये मुझे तो देखना, तो पीछे कर ज़रा, इनके पास गुलाबी बछड़े खड़े हैं, माशाल्लाह ये बछड़ा अच्छा है, माशाल्लाह गुलाबी बछड़ा है भाई। यार 23 दिन तो रह गए, इतना सन्नाटा नहीं यार, मंडे के दिन तो सन्नाटा होता है इतना, मंडे के दिन कौन इतना होता है। चलाओ ज़रा आगे, आवाम है अब गाड़ियाँ, लेकिन मंडी का जो एक रकबा है ना वो काफ़ी बड़ा है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े रकबे के ऊपर अगर देखा जाए तो फिर आवाम, या फिर वो कह सकते हो कि ना कि खुला खुला स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है वही वाली बात है, थोड़ा तंग कर दो मंडी को तो सब एक दूसरे के बिल्कुल जैम पैक वाले उस पर हो जाएगा सीन। काफ़ी सारे दोस्त मिले अभी जो कि मंडी के अंदर विज़िट कर रहे हैं, यानी कि शौकीन भाई कहीं नहीं रुकता, तो सच्ची बात है। मैंने हैशटैग यूज़ किया है हमारी अपनी मंडी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार शौकीन तो शौकीन है ना। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात की थी, उसको भी मैंने ये बात बोली, मैंने कहा भाई देखो कुर्बानी 4 लाख की हो या 5 लाख रुपए की हो या मैं कहता हूँ 50 लाख की हो, लेकिन कुर्बानी वाले का जो दिल है ना, जो वो जो छुरी है ना, कुर्बानी बैठे हुए जो वो जो छुरी है ना वो दिल से होनी चाहिए भाई, ये काफ़ी है। नमाज के लिए भी जगह बनाई हुई है माशाल्लाह से, मंडी का रकबा बहुत बड़ा है सच्ची बात है। लोकेशन मुझे एक पसंद आई, और पसंद आने की वजह ये भी थी कि सुराब गोट मंडी जैसी कोई बात नहीं है यार, सुराब गोट के अंदर ना फंसा फंसा वाला ज़्यादा सीन था, सही बात बता रहा हूँ आपको। और आज तो मंडे है, मंडे को यकीनन उस तरीके से शायद आवाम हमें रात में देखने को मिलेगी, क्योंकि रात के ही, क्योंकि सारे सारे तो अभी ऑफिसेज में होंगे, वो लिखा हुआ आई लव चाइल्ड जहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादातर, मेरा ख्याल है पीछे से लोकल मंडी का एक और गेट आ गया होगा, अभी मैं भी ब्लॉक सिस्टम समझ रहा हूँ, मेरा ख्याल है वहीं उस तरफ डालो, ये उस दिन रात में यहाँ पे सौदे हो रहे थे। नहीं नहीं यहाँ से डाल दो,
मेरे ख्याल वहाँ से रास्ता था, यहीं से डालो यहीं से डालो। मैं खुद भी मंडी घूम रहा हूँ काफ़ी, देख लो आपके सामने, मैं रेट भी पता करूँगा एक एक करके, लेकिन ज़रा दिन का लाइफ का मज़ा कुछ और था। मैंने कह रहा पहले ज़रा खुद एक दफ़ा गाड़ी में मंडी दिखाते हैं। वो देखो पीछे एक सौदा चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन सी मंडी है यार? ये हमारी अपनी मंडी है, इसको कह सकते हो आप। यार यहीं से डाल दो, यहीं से डाल दो, पीछे करो, पीछे कर लो, कोई मसला नहीं, यहाँ से डालो। बिल्कुल रैंडम लाइव कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि हम लोग ऐसे लाइव करते नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग कमेंट्स पढ़ने की। 400, 450 व्यूअर देख रहे हैं माशाल्लाह से। मंडी का लाइव हो तो भाई वाकई रेट्स के बारे में पता करता हूँ, मुझे रेट्स का आइडिया नहीं है अभी। मैं खुद रिजवी के साथ अभी मंडी आया हूँ, हम लोग का प्लान आज नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वही वाली बात है कि वादा मैंने, देखो ये अफगानी बैठे हैं सारे, अफगान पट्टी जैसे हम कहते थे पहले, अब यकीनन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग भी लेंगे। आवाम पीछे वो खड़ी हुई आवाम है यार, ऐसी बात नहीं है। और सच्ची बात है लोकल, ये जो हम लोग शायद गोल्डन ब्लॉक है शायद, ये माशाल्लाह माशाल्लाह माल तो काफ़ी आया हुआ है। देखो जगह बन रही है, सब के सब, ये सब वीकेंड पे बिल्कुल तैयार हो गए, लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी। ये आपको एक और बात बताऊं मैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, ये कौन से ब्लॉक है यार? केपी के ब्लॉक जाओ, केपी के जाता उड़े थरी बछड़ी दिख गई, देखो माशाल्लाह से थरी बछड़े हैं। हल्की चलाओ यार थोड़ी, ताकि मट्टी भी ना उड़े। अरे माशाल्लाह बछड़े का चेहरा देखो, वाकई हल्की चलाओ, हल्की हल्की हॉर्न मार दा कि वो भी निकाल दे आगे से, माशाल्लाह। भाई आप लोगों को पता होगा कि मंडी जो ना हमेशा लगा करती थी 30 दिन पहले, 32 दिन पहले, ये वो वाला टाइम था। अब लगाओ चलाओ आगे, ये वो टाइम होता था जिस दिन जब मंडी की, मतलब यूँ समझ लो कि पहली ट्रक आने की उम्मीद जागती थी। तो यार उस पर गाड़ी नहीं जा पाएगी ना, बताओ इसको उसके मतलब है कि मंडी के पहले है ना ट्रक आने की उम्मीद होती है, ट्राइगर बछड़ी खड़ी हुई देखो ज़रा सामने। तो अब जो ना वो मंडी यकीनन थोड़ा पहले भी लगाई है, और पहले लगाने की वजह यकीनन जगह थी, जगह के साथ सेटिंग्स थी, मैनेजमेंट के काम थे, तो इसमें तो इन्होंने सही किया मेरी नज़र में, तो बहुत पॉजिटिव एक काम किया जिसके अंदर पहले से ज़रा लोगों को बताया गया, अब अवेयरनेस की बात है। और एक गुलाबी बछड़ियाँ खड़ी हैं भाई अंदर, ये टेंट रात को विजिट करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन हमारे तो पुराने पुराने हैं, तो हम लोग को दिख भी रहा है। ये अफगानी यहाँ पर, मेरा ख्याल ये अफगानी ब्लॉक तो नहीं आ गया भाई, घुमाओ ज़रा बाहर निकालो, ये और आगे की तरफ है मंडी। ये सारे प्लॉट सिस्टम किया हुआ, रास्ते बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के किसी ने बात की यार, भाई फड्डे भी दिखाओ, फड्डे कौन से यार? फड्डे अगर होंगे मेरे सामने होंगे तो दिखा दूंगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा माल आ गया आपके सामने, लेकिन इस दफ़ा एक बात है, जितनी बड़ी जगह पर मंडी है ना, हाँ उधर बाहर निकालो ना, रोड पर निकालो, हमें दूसरा, यहाँ बहुत बड़े ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के अंदर ही माल खड़ा हुआ है, गुलाबी माल खड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 500-600 व्यूवर देख रहा है, क्या बात है यार। लोकल एक और काले ब्लॉक जो, हल्के हल्के चलाओ, हल्की चलाओ ज़रा, जानवर आए तो हल्की चलाओ। गुलाबी बछड़ियाँ देखो, गुलाबी छोटे चेहरे की बछड़ी, मैं रेट भी पता करूँगा। काली जट बछड़ी घेर, माशाल्लाह। अच्छा हम लोग बात क्या कर रहे थे, फड्डा कह रहे हैं भाई, पाटा कह रहे हैं, अच्छा पाटा कह रहे हैं, मैं इतनी जल्दी, कौन से बछड़ी भागी किसी की, दिखाते हैं ना वो, दिखाते हैं। आई लव चाइल्ड वाली जगह पर आ गए हम लोग। राव भाई रास्ता सेफ है यार, रास्ता सेफ है यार, मुझे तो सच्ची बात बताऊं, देखो जितने रूमर्स फैल रहे हैं, देखो छिनने वालों की चीज़ें छिनती होंगी, सच्ची बात है। देखो पूरा कराची सेफ नहीं है इस तरीके से, किसी भी चीज़ के ऊपर एतमाद ऐसे करना बातों के ऊपर, ये गलत है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हालांकि देखो हम भी शहर में घूम रहे हैं, शहर में कौन सा ऐसा की जगह है जहाँ पर हम लोग बोलें यार बिल्कुल सेफ है, ये हम लोग हर वक्त अपने गार्ड लेके साथ में घूम रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नॉर्दर्न के ऊपर, या पहले नॉर्दर्न की बात कर रहा हूँ, या फिर हाईवे की बात करूँ, देखो हाईवे की बात करते हैं, हाईवे यहाँ से डाल के मेरा ख्याल होगा, हाईवे की बात करते हैं भी। टेंट्स मेरा ख्याल ओपन नहीं हुए हैं, क्योंकि टेंट्स देखो ना बंद हुए हैं। मैं भोलू गेटल आ गया इधर, भोलू भोलू, अरे भोलू पे भी हमने वीडियोज़ बनाई है, इसमें एक रैबिट बछड़ा सामने खड़ा हुआ है, इसके कान देखो ज़रा, रुकना, ये बछड़ा भाई मैंने अपने लाइव में दिखाया था, इसके कान या तो आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं, बछड़ा इतना खूबसूरत देखो। तो मैं बात करते यार पूरा हाईवे ही डिस्टर्ब है, तो अगर हाईवे डिस्टर्ब होता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और वैसे नॉर्दर्न के ऊपर जितनी अभी लाइट्स देखी उस दिन रात में आया था, लाइट्स थी, इस रैबिट को दिखा रहा हूँ। तो यार अगर हाईवे के ऊपर ये सीन्स होते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे कराची में ही होते हैं ना, तो जो लोग ये बात बोल फैला रहे हैं या बोल रहे हैं कि यार सिक्योरिटी नहीं है, तो यार मंडी में सिक्योरिटी है, धन है, मुझे भी पता है, और हमारी नीड क्या है कि मंडी से पहले भी सिक्योरिटी दी जाए, तो फिर कराची में पूरी सिक्योरिटी मांगी जाए ना यार। ये एरिया वो चाय चायल वाली जगह जहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे थे, मेरा ख्याल है ये, मेरा ख्याल है टेंट हैं सारे के सारे जो वीआईपीज़ हैं, चायल बैठा हुआ बल्कि, ये रहा चायल का टेंट है, ये चायल वालों का माल है ये, माशाल्लाह इसे भी हमने दिखाया अपने लाइव में, वो गहना भी दिखाया। 650 व्यूअर माशाल्लाह से, एक व्लॉग हो जा रहा हो भाई यार, मैं खुद पहले समझूंगा मंडी को,
फिर मैं और इसवी हमें से कोई एक बनाएगा, पार्टियाँ बछड़ियाँ खुलवा खुलवा के भगानी है, वो देखना पड़ा। ये कौन सा है? धूम, धूम भाई माशाल्लाह। ये कि धूम का भी हमने लाइव देखा। यहाँ से निकालो, मेरे ख्याल यहाँ से रास्ता था। अल सईद वाले यहाँ बैठे हैं, ये हम लोग VIP ब्लॉक में घूम रहे हैं, इसका मतलब है वो रास्ता, वो रास्ता। नहीं बाहर निकालो, मुझे KPK ब्लॉक करके कुछ दिन था, रात को मुझे लेकर गए थे लोग, मैं वहाँ गया था। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि यार अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में सबको रखेगा, लेकिन जो ये बातें सिर्फ फैलाई जा रही हैं ना, देखो वीडियोज़ आ रही हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन इस तरीके से अगर कहा जाए कि सिक्योरिटी नहीं है, ये गलत है। अभी मैंने खुद रास्ते में विटनेस किया, तो मैं बोल रहा हूँ भाई, बोलोगे तो लाइव में भी दिखा दूंगा, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि आप लोग समझते हैं और इतना तो जानेंगे कि भाई कैटल क्रेज में कम से कम हम लोग मंडी को लेकर ना, ये कोई पेड सीन होता है ना ही कोई जो ना, यहाँ पर लोकल है यार, ये बिल्कुल लोकल मंडी है यार, हमारी अपनी मंडी, मैं तो लिख रहा हूँ ना, ये देखो, तो लोकल अपनी मंडी है, तो फिर हम क्यों उसके अंदर वो कोई बात करेंगे। हाँ, कोई हमें रोके या कोई बोले या कि यार स्क्रिप्ट पकड़ लो या स्क्रिप्ट पढ़ लो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हम ना स्क्रिप्ट पढ़ने वाले ना हम कुछ बोलेंगे, लेकिन जो होगा इंशाल्लाह सच बताऊंगा, और सच भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हाईवे से आए, हाईवे से रास्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब नॉर्दर्न के ऊपर जो हबीब से मैं कट लिया, तो पुलिस वालों ने हमें भी चेक किया, भाई ये लोकल मंडी वाला माल है यार माशाल्लाह से। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को मिली है मंडी के अंदर इस दफ़ा, प्लॉट के जो पैसे हैं लोकल, जो जनरल ब्लॉक्स, जो छोटे वाले ब्लॉक्स होते हैं जो पंजाब से लोग आ रहे होते हैं, उन लोगों के लिए फ्री है। सिर्फ VIP के अंदर मेरा ख्याल है कुछ इन्होंने होटल भी बनाया, एक और शंग्रीला ब्लॉक एक आ गया, डालो दिखाते हैं ये भी थोड़ी देर, जब तक रोशनी है तब तक तो दिखाते हैं। हाँ दिखाओ, आगे भी है भाई, आगे भी उस दिन रास्ते से मैं गया था। हाँ है, उस दिन मैं गया था, मुझे रास्ते पर समझने पड़ेंगे। मंडी बहुत बड़ी है भाई, मैं कोशिश करूँगा एक नहीं, यहाँ पे आवाम है, देखो लोकल आवाम, आपको यहाँ आवाम दिख रही है, तो भाई आवाम है, और मंडे के दिन भी आवाम होती है, नॉर्मली होती है, बड़ी मंडी बस चौड़ी चौड़ी काफ़ी है ना, इस वजह से ऐसी है। तो मैंने सिक्योरिटी की बात की भाई, तो रेंजर्स पेट्रोलिंग कर रही है। हाँ, वो एक और बात भी बताऊँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल स्लैंग लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये देखो रोक हल्की चलाना सर, बछड़े अच्छे हैं। अभी मैं आपको एक मंडी का ना रात का आहिस्ता से चलाओ, रोको नहीं, चलाते रहो। वालेकुम अस्सलाम, गुलाबी बछड़ा एक और दे, माशाल्लाह एक और छोटा बछड़ा। मंडी के इंतज़ामिया ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि थोड़ी खुली खुली स्पेस रखी है, थोड़ा दबाया नहीं है माल को, माल पे माल चढ़ा हुआ था पुरानी वाली मंडी पे, एक नेगेटिव वो थी। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने चीज़ों को बाहर रखा, मुझे याद है 2017 की एक मंडी थी जिसके अंदर बिल्कुल ही गाड़ी फंस जाती थी, एक सिब्बी वाले भी आए हुए। ये तो मसला है, पुलिस सिर्फ हमारे चेक करती है यार, हमें ही चेक करेगी नहीं, बाइक्स वाले को भी रुकवाई हुई थी, रुकवाया हुआ था, लेकिन वो पता कौन से वाले थे, सच्ची बात बताऊँ, थोड़ा शलवार कमीज़ और थोड़ा होता है ना मशकूक किस्म के कुछ लग रहे थे, तो उनको रोका था, इवन गेट पे रोका हुआ था, और वो गेट पे रोकने की मुझे तो अच्छा हुआ रोका उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी को बिल्कुल टेंटेड किया हुआ था। रेट के लिए तो अरजी भाई उतरना पड़ेगा, और रास्ता बंद है। चलो मैं ज़रा उतर के दिखाता हूँ, एक मिनट शीशा चढ़ा लो, हाँ डिवाइस मुझे दे दो, मैं ज़रा नीचे उतरता हूँ और फिर दिखाता हूँ, और ये मैं अपने पास रखता हूँ मीडिया सेल का, ज़रा उतरते हैं भाई दिखाता हूँ आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम, नाम ले लो अब्दुल रहमान, कोशिश तो आपके भाई की पूरी है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जोंग का, इन्होंने टावर्स भी वो किए हैं मंडी के इंतजामिया ने जोंग, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का अगर इशू था, तो ये भी पॉजिटिव देखने को मिला। मैंने सबसे पहले आदि साहब पूछा यार नेटवर्क कौन सा चलता है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो मुझे हर साल मैं इंतजामिया के पास जाया करता था, मैं या रिजवी हमें से कोई जाता था, गुलाबी बछड़ा दिखाता हूँ जाके, तो वो हम लोग जाके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेते थे, और लेने के बाद जो है यार KPK ब्लॉग में खुद भी आज मंडी आए हैं रिजवी के साथ, हम लोग मंडी घूम रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं कि भाई मंडी के अंदर कितना माल कहाँ का है। समझ रहा हूँ और समझाऊँगा भी इंशाल्लाह, लेकिन जो सिक्योरिटी की बातें हो रही थी यार, वो अभी मुझे तो बेहतर लगी यार, सच्ची बात है। 28 दिन रह गए हैं, और जाहिर सी बात है, एक बात बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना माशाल्लाह बछड़ा देव, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना कि सिक्योरिटी, आप मुझे एक बात बताओ, अपने ज़रा खुद सोच के बताना, दहशतगर्द होते हैं, नहीं दहशतगर्द वो वाले नहीं भाई, दहशतगर्द से मुराद वो जो बेसिकली जो शलवारों वाला स्टाइल होता है ना, उनको रोका जा रहा था, मावे गुटके, मैं मावा गुटका बोलना नहीं चाह रहा था, आप लोग सुन लो, चलो मावे गुटके उनकी जेबों से निकाल रहे थे, और वो रोका हुआ था पूरा मेमार वाली साइड पे। तो भाई सिक्योरिटी की बात हुई थी, तो मैंने आपको वो बताया कि सिक्योरिटी दी जा रही है। और एक और मैं बात आपसे करूँगा, वैसे ही अपने वैसे तो अभी और भी लाइव करूँगा, उस एक लाइव में सिर्फ ऐसी एक बात करूँ, रिकॉर्ड हो रही है मुझे भी पता है भाई, इतना बड़ा ये जो जगह है, जो सेटअप है, आपको क्या लगता है कि लाखों रुपए की सिर्फ कहानी है या करोड़ों की कहानी है? कुर्बानी का जो फरीज़ा है भाई, कितने पैसों में होता होगा पूरे पाकिस्तान का? तो कराची मंडी सबसे बढ़िया, बछड़ा बहुत अच्छा है,
पैसे क्या पूछूँ मैं इससे, लेकिन अभी मैं मंडी दिखा रहा था। लेकिन खैर, इतनी बड़ी जगह को अगर पाकिस्तान की हमारी आर्मी या फिर कोई भी सिक्योर करना चाहे, तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते ये लोग? भाई सिक्योरिटी क्या आपकी सोच है? इंतज़ामिया के अलावा और भी कितने सारे ऐसे वो लोग हैं जो इस वक्त अलर्ट होंगे और सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो भाई अवाम के लिए किया तो जा रहा होगा, वो एक अलग बात है, हादसात को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप लोगों से बस यही बात बोलूँगा कि हालांकि मंडी में दिखा रहा हूँ और अपने शौक से दिखा रहा हूँ, हालांकि किसी ने हमें ना ये बोला ना कुछ, हाँ हम लोगों को कोई ये बोले कि यार राव को किसी ने, अरे यार ये बछड़ा उस दिन रात को देखने आया था मैं, सही हाँ यही वाला आया था देखने के लिए, वो जो पहला बछड़ा बैठा ना नीचे, ये बछड़ा मैं देखने के लिए आया था, किसी ने मुझसे कहा था तो मैं उसके साथ आया था, ख़ास तौर पर फार्मर था, सच्ची बात है, उसके साथ आया था, ये बछड़ा बैठा हुआ 19 या 20 लाख रुपये, शायद 20 लाख रुपये मांगे थे, 20 लाख रुपये मांगे थे। एक बछड़ियाँ भी देखने के लिए आया था एक दफ़ा मैं शुरू में, वो भी दिखाऊंगा, वो इस जगह पे नहीं थी उस टाइम, पहले तो मंडी खाली खाली थी, अब मंडी के अंदर माल बहुत आ गया और अभी भी स्पीड में आ रहा था अभी मार्शलिंग पे, माशाल्लाह टाइगर बछड़ा देखो कैसा खड़ा हुआ यार, अंधेरा हो रहा है मुझे पता है। ओहो बॉयज़ रिजवी भी है साथ में, बिल्कुल है साथ में, अभी वो फिर मैं भी थोड़ी देर गाड़ी चलाऊंगा उसको देखता हूँ कहीं ब्लॉक में मुझे रास्ते KPK वाले पे जाना है, थोड़ा सा हमें भी घूमने की ज़रूरत पड़ेगी कि यार मंडी में बेसिकली है क्या सीन, फिर रेट्स के बारे में पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम, 600-700 व्यूअर है भाई, क्या बात है, पैसे तो पूछो यार। हाँ यार मैं पैसे पूछता हूँ, और पैसे पूछने के लिए ख़ास तौर पर कोई ऐसी सेफ़ जगह जहाँ पर गाड़ी लगा सकूँ ना मैं, वो दिखा दूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। गुलाबी बछड़ा एक और खड़ा हुआ है यार, बछड़ा ओए हो टाइगर के अंदर गुलाबी चेहरा वो खड़ा हुआ, ये एक और बछड़ा माशाल्लाह। रेट हाई हैं क्या यार? रेट्स हाई थे, लेकिन अब इसको भी वो ना कहते ना कि यार हम लोग मंडी में परसों आया था ना मैं, परसों की बात है ना रात को, परसों के मुताबिक देखा जाए ना तो माल तो और आया हुआ लग रहा है यार, ये तो खाली खाली पड़ा था उस रात को, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार जितने भी लोग ये खैर सवाल कर रहे थे, मैं उनके सवाल का पहले जवाब दे दूं यार, यहीं से बाहर निकल के ना KPK था मेरे ख्याल, उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए होंगे, काफ़ी सारे ब्लॉग्स थे, मुझे याद भी नहीं अभी कौन कौन से ब्लॉग थे, बस 13-14 ब्लॉग्स बताए थे मुझे शायद, मैं लेकिन कंफर्म करूंगा आप लोगों के लिए और फिर लाइव में दोबारा बताऊंगा। अभी हमने पहला ही लाइव मैंने कहा थोड़ा सा मंडी हम तो घूमे, माशाल्लाह कैटल, ये देखो एक गुलाबी बछड़ा यार, ओए यहाँ से बाहर निकला था मैं उस दिन और यू टर्न लेके उस तरफ गया था और इस बिल्डिंग के पीछे था, यानी कि वो हाँ वो है वो वहाँ पर था भाई। KPK ब्लॉक मेरे ख्याल में उस दिन रात को आया था तो यहीं से था, मैं वो भी दिखाता हूँ, हाँ यहीं से जाना था, मैं उस दिन यहीं से गया था, परसों ही तो गया था बल्कि आप लोगों के साथ यार मैं। आई वॉन्ट टू सी सुमेर्स बछड़ी यार, 6 मन वाले बछड़े दिखाओ, बिल्कुल भाई मैं रेट के साथ कोशिश करता हूँ। ये देखो अनलोडिंग हो गया, माल जा रहा है, ये देखो माल जा रहा है भाई, लोग ले लेके माल जा रहे हैं, अभी रास्ते में कुछ दिनों में तो इंशाल्लाह रश ही लग जाएगा। ये जगह असल में जो है ना, ये जगह आप लोगों को जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फार्म्स के लिए आते हैं और फार्म्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो जगह जो है ना वो इतनी बड़ी पैमाने पे, 700 एकड़ किसे कहते हैं यार, ये उस जगह से भी बड़ी जगह है जो सोराबगोड मंडी लगती थी। तो अब ये रोड बने हुए यहाँ पे बकायदा यार, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इतना चौड़ा रोड, यहाँ माल खड़ा नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि शायद अगर माल खड़ा हुआ तो शायद उस साइड पर खड़ा करते हैं, क्योंकि वो रोड अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे हम लोग चला रहे हैं यहाँ तो माल खड़ा नहीं करेंगे ये लोग, आई थिंक सो, मैं खुद एक दफ़ा समझ लूँ, लेकिन जगह इतनी बड़ी है इस वजह से लोगों को लग रहा है खालीपन, वही वाली बात है, मैं फार्म्स पर जब लाइव करता हूँ ना तो ये बात बोलता हूँ। एक बछड़ा और आ रहा है सामने से, गुलाबी बछड़ा, माशाल्लाह ज़रा देखें तो सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो ओए हो मंडी से भाग गए भाई, KPK आ गया ना ये, हाँ जी ये आ गया KPK ब्लॉक को, एक ये बड़ा नहीं इधर से डालो कहीं से होगा ये, हाँ यहाँ से सामने में गया था, सामने वाले उसमें गया था, उधर गया था रात को, असल में आया था ना, मुझे रास्ता याद नहीं है, मैं रास्ता याद करूँगा इंशाल्लाह भाई। मंडी का वो कहते ना कि एक शहर आबाद हो जाता है, तो शहर आबाद हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर तो खैर मज़ा ही आ रहा है अभी तक, रेट्स पूछूँगा ज़्यादा मज़ा आएगा, सच्ची बात है। होटल एक और होटल, हर ब्लॉक का अपना एक होटल बनाया हुआ है, फूड सिस्टम भी आने के चल बहुत ज़्यादा, पहले एक वो एक होटल था पेशावरी होटल, ये कौन सा है न्यू क्वेटा, दिल पसंद की भी लाइफ, यार लाइव हम लोग आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं अनलोडिंग दिखाता हूँ, कोई आज मुझे दिल चाह रहा है मैं अनलोडिंग दिखाऊँ, क्योंकि अनलोडिंग अगर कहीं हो रही हो ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। ये KPK ब्लॉक है और ये चायल एनक्लेव की वो बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ है, ये ब्लॉक उस दिन छोटे माल के सौदे इधर हो रहे थे रात को, आवाम थी इधर और बाइक्स बेसिकली। हाँ एक चीज़ है कि ये वाली मंडी के अंदर एक चीज़ ना बड़ी चेंज है,
पहले वाली मंडी में आप लोग पैदल आते थे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा जल्दी माल दिख भी जाया करता था शुरू शुरू में। वीआईपी की बात नहीं कर रहा मैं, आगे की यानी कि लोकल की बात कर रहा हूँ, इन ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। अब जो सीन है ना वो बाइक्स का होना चाहिए कि बाइक्स या फिर ये गुलाबी बछड़ा कितना टाइट खड़ा हुआ यार। अब जो है ना वो बाइक्स के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा आने के वो होंगे। और सामने से बछड़ा आ रहा है, देखो चेक करो, हल्का करो। अल्हम्दुलिल्लाह हारिस भाई मंडी अच्छी है, आप यकीन मानो मंडी अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है। वरना आपको एक और बात बताऊँ, अगर ये जगह ना ली होती ना, ये जगह ना मिली होती, ये देखो आवाम बाइक्स पे ही बैठी हुई है दोबारा से, अगर ये जगह ना ली गई होती, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अरे सूरजमुखी बछड़ा खड़ा हुआ यार, अगर ये जगह ना मिली होती तो नूरियाबाद के करीब जगह है फिर मंडी के लिए, जो मुझे लगता है। नूरियाबाद पता है कितना दूर है सर? बहरिया से भी इतना दूर है ना कि आप सोच नहीं सकते। DHA जानवरों का अस्पताल भी बनाया है भाई, ये देखें पॉजिटिविटी है भाई ये तो सारी चीज़ों में। लेकिन लोकेशन के बारे में फ़िलहाल जो है वो मैं एक से दो दफ़ा विज़िट करूँगा और भी लाइव चलाऊँगा, मैं या रिजवी हमें से कोई भी चला देगा, तो इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। अभी रेट्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो रिजवी भाई कहीं लगाओ और फिर आप ज़रा उतरो, मैं ज़रा एक दो ज़रा है मैसेजेस वो देखने, कॉल जा रही थी पीछे से, रुक जाओ हम रेट्स की बात करते हैं, कहीं गुलाबी बछड़े खड़े हो ना वो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहीं से अंदर चले जाओ, बल्कि ये पकड़ो वासिक एंड जुनेद, ये नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो रेट वेट पूछना जरा। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सारे? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? माशाल्लाह सीज़न 2023 और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मंडी का भी पहला विजिट है, और इम्पैक्ट की बात करूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंप्रेशन है मंडी के, जिस तरीके की मंडी खुली धुली मंडी लगी है माशाल्लाह, सनसेट देखें यार बहुत अच्छी जगह है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नेगेटिव के ऊपर जो लोग बात करते हैं उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं दोस्तों। मैं अगर अपनी बात करूं तो हम जैसे काफ़ी सारे फार्म इस सोसाइटी में बने हुए, आगे जो सोसाइटियाँ हैं काजीज़ है, बिस्मिल्ला है, दो चार फार्म और हैं, तो जब भी हम यहाँ पर आए, वैसे बाइक पर आना ज़्यादा हुआ है मेरा खुद का पर्सनल। वालेकुम अस्सलाम यार, ऐसे कमेंट्स बिल्कुल सबके देखूँगा माशाल्लाह, छोटा माल खड़ा हुआ है, रेट के ऊपर बात करें भैया, इधर आएँगे आप रेट तो रेट भी बताते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया, कैसे हो सारे? जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू करो यार, डिमांड बताओगे बेटा क्या मांग रहे हो? हाँ छोटी बछड़ी 1,70,000 रुपये मांग रहे हो। दांतों में क्या है ये? दांतों में कितनी है? दांतों में दो दांत है। दो दांत है, खोल कर दिखाना सर जरा बाहर। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है, जानी से खोलो बछड़ी को, दिखाना है लोग देख रहे हैं यार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम भैया, छोटा माल आपके पास सारा, रेट मुनासिब मांग रहे हो ये बताओ भैया। बछड़ियाँ दिखानी है लोगों को, बछड़े भी दिखाने हैं छोटे, ऐसे बछड़े बहुत हैं, ऐसी बछड़ियाँ बहुत हैं, चलो कुछ के रेट बता दो आप जो पसंद है उसका बताएंगे ना भाई। भाई ने 1,70,000 रुपये बोला है भाई, आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट में कौन सी पसंद है, उन्हीं के रेट बताएंगे भाई। और 1,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं उसकी, उसकी क्या मांग रहे हो, उसको क्या मांग रहे हो? पीछे बछड़ी जो बनी है हाँ, इसका 1,80,000 दिखाना ज़रा, बाहर दिखाना बछड़ी। हेलो कंबर, क्या हाल है यार? कैटल फार्म की काफ़ी फार्म की ओपनिंग हो गई और काफ़ी फार्म की इसी वीक में हो जाएंगी, और इसकी डिमांड करिए भाई 1,70,000 रुपये, ये रेट चल रहा है। वालेकुम सलाम भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच यासिर भाई, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह जैन बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाओ क्या हाल चाल है भाई? 1,70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं बछड़ी, बांध दो भाई बांध दो, वो चितकबरी भी खोल के दिखाना भाई, मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम, बछड़े दिखाओ, बछड़ा ही खड़ा हुआ अभी सामने, ये बछड़ा खड़ा हुआ है, लड़के भाई उसको छोड़ो इधर आना। वालेकुम सलाम साथ, क्या हाल है? गुलाबी गुलाबी कुछ नहीं, वो एक भाई पूछ रहे हैं, पैसे बता रहा हूँ, इससे क्या मांग रहे हो? बछड़े का जी भाई, ये बछड़े का जी, दोनों बछड़े के बताओ, दोनों के बताओ, दोनों का 5,10,000, दोनों मतलब 5,10,000 रुपये जोड़ी के मांग रहे हैं, 5,10,000 मतलब 2,50,000 रुपये मांग रहे दोनों को, ये समझो 2,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भैया, बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, 2,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं बछड़ों की। और वालेकुम सलाम, ये वही बात है, मंडी में डिमांड ही ऐसी होती है, और डिमांड के बाद ही सौदा बनाने की कोशिश होती है, माशाल्लाह माल काफ़ी सारा बना हुआ है। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, लाइव शेयर करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, जितने ज़्यादा व्यूवर होंगे ताकि मंडी की रौनक जो है ना वो मज़ा अलग ही होता है। और डिमांड्स पूछना शुरू किए हैं,
माशाल्लाह ये हमारे व्यापारी भाई हैं जो बड़े दूर से एक उम्मीद के साथ आते हैं कराची, क्योंकि कराची का शौक। सर लोकेशन देखें, चिंची तो खैर नहीं आता होगा हाईवे पे, अल हबीब रेस्टोरेंट बना हुआ हाईवे पे, अल हबीब रेस्टोरेंट के साथ एक लेफ्ट टर्न हो रहा है, वो रोड पर सीधा आएंगे, नॉर्डन बाईपास का टूल आएगा, वो क्रॉस करेंगे, आई थिंक 10 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आपको मंडी की लाइटिंग शुरू हो जाएगी, उस लाइटिंग को फॉलो करते हुए पैनाफ्लेक्सिंग लगे हुए उन चीज़ों को फॉलो करते हुए मंडी तक पहुँच सकते हैं आराम से। चीनी बछड़ी दिखाई उसकी 1,17,000 रुपये डिमांड की थी, वो जो बछड़े बने हुए थे वहाँ चलते चलो। वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब? वाली बछड़ी खड़ी हुई है, इसकी डिमांड पूछते हैं माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाओ? एक ने कनेक्ट हो गया भाई, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात, मंडी में इस दफ़ा टावर भी लगाए गए, क्योंकि पिछले सालों में सिग्नल के इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, तो आवाम के लिए जो है सिग्नल के लिए टावर भी लगाए गए, और जोंग के टावर लगे हुए, जोंग के सिग्नल बेस्ट है। जितने भी दोस्त हैं माशाल्लाह, ये देखो छोटे बछड़े खड़े हैं, खूबसूरत बेटा। भैया क्या क्या मांग? वालेकुम सलाम, 1,80,000 रुपये मांग रहे हो? खोलना बछड़ा ये। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हो यार, आप लोग सुनाओ क्या? खोलो बछड़े, खोलो। कॉल जा रही है, कॉल आ रहा हूं, काट रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम, वाईफाई चला आया। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, 1,80,000 रुपये डिमांड की बछड़े की। रोको, वापसी लेकर आओ। डिमांड तो ज़्यादा है, मगर अगर 90 से 95,000 रुपये में बछड़ा मिल रहा है, बुरा नहीं, गुलाबी नाक का बछड़ा है माशाल्लाह, अच्छा बछड़ा है। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? चलो बांध दो बेटा, इससे आइडिया ले सकते हैं आपकी मंडी की डिमांड क्या चल रही है। खैर अब आगे की तरफ चलते हैं, गाड़ी की हालत देखो भाई, डिमांड पूछी आप लोगों के सामने, और डिमांड मंडी की डिमांड हमेशा ही ज़्यादा ही होती है, मगर निगोशिएट उसी तरीके से होता है। बीच में अभी दोबारा कनेक्ट हो गया। मंडी की जो डिमांड है वो इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है कि भाई अभी आखिर में चांद लिखने के बाद ही काफ़ी हमेशा ना रेट सही हो रहे होते हैं। गुलाबी बछड़ा दिखाओ एक, माशाल्लाह माशाल्लाह। डिमांड तो वैसे भी ज़्यादा होगी क्योंकि आवाम को पता नहीं है कि खर्चे हैं कितने। फुल देसी मॉल चल रहा है भाई, जलेबियाँ बन रही है सामने, क्या बात है। शाम के रिफ्रेशमेंट वो बछड़ी देखे माशाल्लाह, क्या बछड़ी देखा। बटन ना बंद हो जाए, डिवाइस हिलती रहती है और बंद हो जाती है। भैया माशाल्लाह नौकरी दिखाता हूँ हम लोगों को, VVIP नौकरी मंडी में खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या डिमांड है इस बछड़ी की? ये जो बछड़ी खड़ी है और ये नौकरी, 15,00,000 रुपये डिमांड। दांतों में दो है, चार है, दांतों में दो है भाई, डिमांड 15,00,000 रुपये कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, मंडी में ख़रीदार भी हैं, सिर्फ माल ही माल है, माल तो माशाल्लाह 75,000+ मंडी में आज की रिपोर्ट में आ चुका है। और अगर ख़रीदार की बात करूँ तो परचेजर हैं, उस क्वांटिटी में नहीं है, मगर लोगों ने आना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने जो नेगेटिविटी शो की हुई थी तो जाहिर से हर बंदा डर रहा था, मगर जब से हम भी खुद भी उतरे हैं मंडी में, और जब से हमने अभी देखते हुए जो सर्वे करते हैं, जिससे से प्रोटोकॉल हाईवे के रोडों पर देना शुरू कर दिए पुलिस वालों ने खास तौर पर, तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। और अगर इसी तरीके की पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे बहुत रश दिखने वाला है, क्योंकि अभी तो 20-22 दिन बाकी हैं मंडी में, और यकीनन चांद दिखने के बाद जो रश लगता है वो अलग ही होता है। वालेकुम सलाम जी अकील भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज सारे के सारे माशाल्लाह एक साथ जमा हुए सारे शौकीन, और आज जो लाइव किया बेसिकली मंडी से, वो शौकीनों के लिए इसलिए किया था कि मंडी कैसी लगी है, कहाँ लगी है, और किस तरीके से ब्लॉकिंग की हुई है, क्या प्लॉट्स हैं, क्या VIP का सेटअप है, कितना माल मंडी में आ चुका है, इन सब चीज़ों को ही दिखाना था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मंडी, मैंने भी आज पूरी दफ़ा घूमी तो बहुत खुली डुली मंडी है, कंजेस्टेड नहीं है। अगर हम सुरापुर की बात करें तो सुरापुरी मंडी बहुत कंजेस्टेड होती थी, ये खुली डुली मंडी है। और ये चाइल्ड क्लेफ की तरफ जो जगह कहते हैं ना, जगह की रौनक बनी हुई है माशाल्लाह, वो नौकरी देखो यार, क्या नौकरी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मंडी में अगर माल की बात करें तो खूबसूरती के ऊपर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माल, बहुत खूबसूरत कलेक्शन मंडी में आया हुआ इस दफ़ा कुछ सालों के मुकाबले में, ब्यूटीज़ लोगों ने जमा की हुई हैं बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हर टेंट पर जिस तरफ भी हम जा रहे हैं, लोकल मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, VIP की बात नहीं, लोकल में माशाल्लाह माल बड़ा खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और जैसे शौकीन देख रहे हैं, गुलाबी बच्चे छोटों में ट्रेंड में ही मौजूद हैं, जो कि फार्म से देखने को मिलते हैं वो मंडी में भी देखने को मिल रहे हैं इस बार माशाल्लाह। चलो उस तरफ चलते हैं भाई, छोटे छोटे माल के भी रेट लेता हूँ यार। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है, कैसे हो भाई? ठीक ठाक भाईजान, क्या
क्या मांग रहे हो इस बछड़े की? इस बछड़ी क्या मांग रहे हो? 95,000 रुपये? 95? थोड़ी बड़ी बछड़ी है कोई? इससे क्या मांग रहे हो? इससे क्या मांग रहे हो? दांतों में क्या है? इसी रेंज में और है? इसी रेंज में? हाँ। आगे देखो, ये बीच वाली देखो, बीच वाली जो लंपी हुआ है, रिकवर है माशाल्लाह। ये वाली बछड़ी क्या डिमांड है भाई? राफी के लिए बछड़ी देखते हैं। ये इसी क्या डिमांड है? दांतों में क्या है? ये दो है माशाल्लाह। बड़ी वाली ये बस के निशान पड़ा हुआ। और ये वाली? ये 35 की है। ये कितने की होगी आखिरी, आप बताओ बस? 90,000 की होगी। 90 की होगी तो बताओ, बताना यार। सीधी बात कर रहे हैं, सीधी बात मीजान, बहुत सीधी बात की, बिल्कुल ऐसी है भाई, बहुत अच्छी रेट मांगे इसके। तुमने बोले 10 खोल कर लाने, 25 वाली को बाहर। एक 125,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, दांतों में चार हो गई बछड़ी। एक मिनट, इधर लाओ। एक मिनट, 125,000 रुपये डिमांड किए, दांतों में चार हुई बछड़ी। देखो माशाल्लाह भाई, देख लो आप लोगों के सामने, थोड़ा सा चला के लाओ सामने से। हाँ भाई, कितने में समझ आ रही शौकीनों? क्या पैसे लगाऊं उस बछड़ी के, क्या पैसे लगाऊं लड़के, ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। 90,000 रुपये लाए मैंने तो, क्योंकि मलीर मंडी वगैरह 10 जगह में घूम चुका हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने 90,000 रुपये लगाए बछड़ी के, दांतों में चार हुए। आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब उस तरफ चलते हैं भाई, सौदा वौदा कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई बछड़ी समझ में आई है। माशाल्लाह बछड़ी बहुत खूबसूरत, जो मैंने पहले ही पूछी थी तो भाई ने कह रहा था सोल्ड हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या रिप है ये बछड़ी? पसंद दांतों में क्या है? गुलाबी ना, खूबसूरत चेहरा माशाल्लाह। ओए होए होए होए, वालेकुम सलाम। आवाम से ना सबसे बड़ी बात एक चीज हो रही थी, ये भी बात हुई कि इन ब्लॉक कितने हैं, तो एक पंजाब ब्लॉक बताया ना आपने, पंजाब ब्लॉक, और ये वाला कौन सा? केपी के, केपी के ब्लॉक है। माशाल्लाह देखो बच्चों को, माशाल्लाह केपी के। शंग्रीला है, हरी है और गोल्डन है। रश का क्या सीन है? रश तो माशाल्लाह होता है, ऐसी बात नहीं है। आवाम आ रही है, आवाम आती है रात में 3 बजे 4 बजे 5 बजे, सुबह 6 बजे तक आवाम होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ आवाम है भाई, खुद व्यापारी कह रहे हैं आवाम है, रात को 4 बजे तक 5 बजे तक। वाली आवाम नहीं होगी, लेकिन मुझे तंग करने वाली नहीं है, खरीदार वाली आवाम आती है, जो पहली बार में आके पहली बार में ही ले जाती है। मैं समझ गया, वो वाला सीन है, रश वाला नहीं, यानी कि वो जो लड़के घूम रहे थे वो वाला। फैमिलीज आ रही है यहाँ पे, कल संडे था, फैमिलीज माशाल्लाह अच्छी खासी यहाँ घूम रही थी। अच्छा, हाँ कल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड था यहाँ पे। क्या बात है भाई, देख लें ना जी, कराची की हो जी। क्या बात है भाई, कराची वाले कह रहे हैं लोग। वहाँ हमारी, वालेकुम सलाम अंजुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं सारे के सारे, ठीक ठाक हैं आप लोग? आज फाइनली हम लोग मंडी आए, और माशाल्लाह आज VIP लाइफ रहा आप लोगों के साथ, मंडी की अपडेट भी दी, और देख लें व्यापारियों की खुद की भी फीडबैक यही है भाई कि KP के ब्लॉक में खड़ा हूँ अभी, और माशाल्लाह मेहमान वाले रास्ते के ऊपर हमें नहीं दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो बोलो माशा। मैं यही कह रहा था दोस्तों कि मंडी के ऊपर अगर हमने बात करी तो रेट्स डिमांड्स, आपको पता है मंडी की हमेशा से हाई फाई होती है, मगर अभी जो छोटा माल हमने देखा है, क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, तो छोटा माल हमने दिखाया वो छोटा माल अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स मुनासिब लगे, मुझे मुनासिब लगे, क्योंकि मलीर मंडी और ही मंडियाँ विजिट किए मैंने, वहाँ पे इतनी सी बछड़ी के भी ना 2-2.5 लाख रुपये मांगे आ रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपये मांगे आ रहे हैं, और रेट बहुत ज़्यादा मांगे आ रहे हैं, मगर कुछ व्यापारी यहाँ पर ऐसे हैं कि उनको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, ख़रीदार ओरिजिनल ख़रीदार जो है ना,
ओरिजिनल खरीदार जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। तो माशाल्लाह भाई ने भी बताया मैं कि फैमिलीज ख़ास तौर पर कल संडे था और संडे की रात में फैमिली थी माशाल्लाह। हाँ भाई सर चले। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। डिवाइस दे मुझे केले गाड़ी का कारण नहीं है। डिवाइस बार बार दे दो, जल्दी से दे दो भाई। अभी ऐसी मैंने बात की, चलो निकलो यहाँ से, अंधेरा भी हो रहा है। जनाब जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। हालांकि लाइव करने का जो कोशिश किया ना वो सिर्फ दिन की कोशिश थी कि हम लोग भी ज़रा पहुँचे और ज़रा मंडी देख सकें कि मंडी बेसिकली है क्या। अब ज़रा इन्फॉर्मेशन और भी कलेक्ट करेंगे। अभी एक चीज़ सिर्फ मुझे पता चली कि वहीं से जाना है। अच्छा वहाँ से यूं करके सीधा निकल जाए बस, ठीक है। मैंने इनसे पूछा रास्ता है कहाँ, क्योंकि मुझे भी पहले साल वाली मंडी है ना, तो ज़रा रास्ता समझने की ज़रूरत है। खैर एक चीज़ समझ में आ गई भाई इस व्यापारी से भी और दूसरी व्यापारी से भी। हाँ यू टर्न कह रहा है, वो वापस लेके जाओगे, आगे से ले लो। तो वो कह रहा है कि भाई जो तफरी वाले आवाम होती थी ना वो शायद कम है, तो ख़रीदार है लेकिन। तो ये एक अच्छी वो है, मैं समझ गया। दो मिनट में एक बात आप लोगों को भी समझ में आई होगी, मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है कि जो बेसिकली हमारे वो शौकीन थे ना, मेरा ख्याल रास्ता नहीं है यार इधर घुमाओ, वो वाली आवाम थोड़ी सी कम है कि मतलब शौकीन जो है ना जो बाइकों पर ऐसी तफरी करने के लिए आ जाते थे। लेकिन ये है कि ख़रीदार जो है वो पहुँचेगा जाहिर सी बात, इसको लेनी है ना यार 25-30 दिन पहले, इसको शौक है यार। वो मंडी से अच्छी और कौन थोड़ी बछड़ी भाग गई वहाँ पे, लेकिन रास्ता वहाँ से गाड़ी का है नहीं होना जहाँ दिखाता। खैर जी ये अंधेरा हो जाएगा तो फिर ऐसी बात है, लाइव में वो बात तो नहीं रहेगी। हल्की चलाओ, हल्की ज़रा माल तो देखें। कमेंट्स पढ़ रहा यार किस ब्लॉक में है यार, पंजाब ब्लॉक है सुना है मैंने, अभी भर गया बिल्कुल। KPK ब्लॉक है ये भी भर गया। इन्होंने ना ब्लॉक सिस्टम कर दिए और एक तरीके से उनको नाम दिए, कोड सिस्टम दे दिए, तो उससे भी अच्छा है कि याद रहेगा। लाइट्स हैं ऊपर अच्छी लगी हुई हैं, इंतज़ामिया ने जो पिछले साल वाली थी जो वही है मेरा ख्याल है, बड़े माशाल्लाह एक और बछड़ा। काम अच्छा है सच्ची बात है भाई, क्यों उसके अंदर वो कहना कि आप लोगों को सिक्योरिटी का या जो भी, वो बात हम खुद भी देखेंगे। फ़िलहाल लाइव करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इजाज़त लेकर एक दफ़ा मैंने वही वाली बात है कि हमें तो इंतज़ामिया से मेरी बात हो रही थी, तो इंतज़ामिया से जब बात हुई, जब उन्होंने कहा कि यार आपको इस तरीके से हम अलाउ करते हैं, यानी कि आप ज़रा जाके मंडी को एक दफ़ा खुद ज़रा गो थ्रू करें अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने बोला यार कैटल क्रेज काफ़ी टाइम से हमारी आवाम बोल रही है कि लाइव करो, तो हम लोग नहीं कर रहे थे। तो हमने खुद इनसे ये अपनी दो टोक बात की और फिर मैं ज़रा खुद विजिट के ऊपर निकला। मैंने कहा चलो ज़रा देखें तो सही कि मंडी है कहाँ और है कैसी, क्योंकि फार्म दिखा रहा था तो मंडी दिखाना भी बनता है भाई, क्योंकि ज़्यादा 70% आप लोग जितने भी हैं ना इसी मंडी से ना वो आके बाइंग करेंगे, और बाइंग के अलावा कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है हमारी अपनी मंडी है यार। हम पंजाब सेक्शन में गए थे यार, पंजाब सेक्शन और बकरा मंडी भी, मैंने इसने भाई ने मुझे बताया कि बकरा मंडी भी लगी हुई उस तरफ ख़रीदार यकीनन। उसने एक और अच्छी बात मुझे बताई व्यापारी ने, उसने बोला भाई खरीद तंग करने वाली आवाम जो थी ना वो हमें अब इस तरह से तंग नहीं कर रही, क्योंकि वो आते थे खड़े करते थे, लेकिन अब जो भी आ रहा है वो कम से कम पैसे लगा रहा है या जो भी है, यानी कि सीधी बात हो रही है, वो वाला सीन नहीं हो रहा कि भाई लंबी जिसके अंदर हम कहते थे ना कि यार अभी तफरियाँ चल रही हैं, तो बेसिकली तफरी तो मरती है यार जाहिर सी बात है। इस बात मैं भी मंडी दिखा के पेज माशाल्लाह से आज इतना बड़ा कर लिया, नाम हो गया सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमने भी इस चीज़ को फील किया है कि जो घर से निकल के थोड़ा सा रास्ता पूरा करके जो आ जाते थे ना वो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता। लेकिन यार जो नए हम लोग पुराने शौकीन हैं ना वो भाई शौक कल भी करते थे, आज भी है और आइंदा भी करेंगे। बस इस मंडी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे फील हुआ अभी तक दिन की रोशनी में कि भाई कम से कम खुली है, इसी वजह से लोगों को लग रहा होगा। हाँ तंग मंडी का भी एक अपना मज़ा, या सामने बोल रहा था वो सामने अगर सामने से निकलिएगा बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रहा है, तो वो एक अपना मज़ा है। आज देखते हैं कितने ब्लॉक हम घूम, अभी तो रोशनी ख़त्म हो गई भाई। आप KPK में हो यार? हाँ बिल्कुल अनवर भाई, मैं KPK ब्लॉक में था और वहाँ पे नेट का थोड़ा सा एक दफ़ा इशू आया। मंडी देखो यार, खैर जी ये मंडी का लाइव आप लोगों की खातिर चलाया, उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद क्या आएगा, बात करनी थी, बात कर ली थोड़ी बहुत, अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लूँगा। रिजवी भी होगा यहाँ पे, हम लोग 2-3 दफ़ा भी आएंगे इधर फार्म्स की तरफ ना, तो ये कोशिश करेंगे अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो। यार लाइव क्यों मना कर रहे हैं यार, लाइव असल में कोविड के टाइम से मना हुए थे और उसकी वजह वही वजह थी। देखो सच्ची बात बता रहा हूँ, हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कैटल क्रेज को इन्होंने जैसे कि हम लोग अप्रोच किया है फार्मर्स की वजह से, और फिर मीडिया सेल ने इस बात को समझा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की यार फैंस के लिए एक लाइव तो चलाने दो,
तो क्या पता अभी ऑफिशियली कश्मीर ब्लॉक ये है, कश्मीर ब्लॉक में वो करता ऊँट है और वो है, लेकिन यार छोड़ो भी अंधेरा हो गया, मैं कल फिर एक लाइव करूँगा उसमें दिखाऊँ ऊँट खड़े हुए अंदर। पंजाब ब्लॉक ये सीधे हाथ पे ब्लॉक सिस्टम किया हुआ है, ये पंजाब ब्लॉक भी भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब के ही आए हुए लोग हैं, ये मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा था नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ ब्लॉक को कोड दिया है, कोड वर्ड में बात हो रही है। और अभी आप देख भी लेना ये मंडी आबाद होगी, यही मंडी है भाई, ये याद रखिएगा आप लोग जितने भी हैं। मैं इतनी बड़ी समझ रखता हूँ, मैंने इतने फार्म्स देखे हैं, मैंने इतनी लोकेशंस को फॉलो कर लिया है, इतनी मंडियाँ देख ली हैं, ये सब आप लोगों को जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, ये आप लिख लो मेरी बात, कराची की ये मंडी, ये सदाबहार मंडी अब यही होगी। हाँ मुझे इसका नाम नहीं पसंद आया, वो एक अलग बात है, इसको नॉर्दर्न बायपास मंडी कहा जा रहा है। नॉर्दर्न बायपास मंडी से अच्छा कोई नाम दिया जाता, कोई एक कोड वर्ड होता, जैसे मैंने एक हैशटैग चलाया कि हमारी अपनी मंडी, तो कुछ भी हो जाए हमारी अपनी मंडी हमारी रहेगी, कराची वालों की रहेगी। बाकी व्लॉगर्स काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो जो भी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात है भाई सीधी बात सच्ची बात, मंडी हमारी अपनी है और मैंने यही हैशटैग चलाया है। बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं, मुझे भी अपने दोस्तों को लेकर आना है यहाँ पे मंडी, उनकी खातिर भी मैं आया, मैं समझूँ तो सही। अब रेट, अब हम अंधेरे में मैं और रिजवी घुसेंगे और सबसे पहले रेट पता करेंगे कि अब रेट है ना, क्योंकि हमने भी तो पैसे लगाने थे, तो अभी लाइव के अंदर वो दिखाना अजीब सा हो जाता था। भाई यहीं से डालो, उस रोड पर डाल दो या यू टर्न घुमा लो, देखो बाहर की तरफ निकलते हैं, पीछे बकरा मंडी लगी हुई है असल में, ये पंजाब ब्लॉक है ये वाला जो सारा चल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि पंजाब ब्लॉक के अंदर सिर्फ पंजाब वालों को जगह दी गई है, ये भी कोई ना गलत समझे, सिर्फ कोड वर्ड है ये। छोटा कलेक्शन, छोटे कलेक्शन के लिए लाइव में मेरे कितने लोग आ रहे हैं कि छोटा कलेक्शन दिखा दो, यहीं से डाल दो, यहीं से डाल दो, अगर पंजाब ब्लॉक भी देखें उसके बाद, जब तक रोशनी कोशिश करते हैं। माशा लाइट खोल लो गाड़ी की, वैसे ना क्या पता लाइट से भी कुछ फ़ायदा ही हो जाए, पछड़े बैठे हुए। पंजाब का जो माल आता है पंजाब से, सिंध से, गोटकी से, इधर से उधर से, सब वही स्टाइल यार पूरा मंडी का। अगर यहाँ पे इस वाले ब्लॉक को दिखा रहा हूँ ना तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले पुरानी मंडी है कि नई मंडी है, क्योंकि वही स्टाइल है, वही पीछे कॉर्नर्स पे केबल लगे हुए, वही नीले ड्रम, वही चरपाइयाँ बिछी हुई, वही हवाम का इस तरीके से एक हजूम। तो खैर वो जैसे कि बता रहा था कि यार तंग करने वाले नहीं है, बायर है, अब अच्छा बायर यकीनन मुझे लगे वास्ते यार। सौदा देखो यार, सौदा मैं क्या देखूँ, अभी हम लोग मंडी दिखा रहे थे सिर्फ, घूमते 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 यहाँ तक आ गए। ये कोई केपी के नहीं, कॉल नहीं करो अल्लाह के वास्ते, कॉल पे यहाँ बोल रहा हूँ लाइव में नाम लेकर, आगे रास्ता नहीं होगा, पीछे से निकालो मेन से। चले भाई लाइव को ये बल्कि यहीं रखते हैं, एक तरह से प्रमोशन कर रहे हो क्या भाई आपको, आप लोगों को असल में लिखने की इजाज़त मिली हुई है और पता है नहीं आप लोग घर पर बैठे हो, इसलिए आप लोग अरे माल अनलोड हो रहा था, अनलोड हो गया, रोशनी भी चली गई वैसे तो। तो सर ना प्रमोशन करनी है ना कुछ है, हमारी अपनी मंडी है, आप लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, बात इतनी सी है कि यार अगर माल चाहिए तो जाहिर सी बात है शौकीन अपनी मर्जी से आके यहीं से ले सकता है ना। अब वो क्या लगता है कि शहर के अंदर मंडियाँ जो लगी हुई वो हमारे लिए सही हैं, शहर से दूर मंडी इसलिए लगाई जाती है मेरा भाई, ताकि आवाम जो है ना वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहे, या यकीनन एक हमारे माहौल को ख़राब ना किया जाए। अनलोडिंग हो तो रही है, वैसे वहीं से जाके दिखाते हैं और ख़त्म करते हैं फिर, रोक दो बस, अंधेरा हो रहा है वैसे यहाँ पे। देखो इस वाले ब्लॉक के अंदर अनलोडिंग हो रही है, अब पता नहीं अनलोडिंग को कितना टाइम लगेगा, दिखा देते हैं अगर कोई अनलोडिंग हो रही होगी। भाई अब वहाँ से तो लो, वहीं से ले जाना ना, आपने आप गलत रास्ते पर आ गए, वहीं से दोबारा घुमाओ यू टर्न बेटा, जाओगे वहीं से आप सीधे हाथ पे लेते ना तब भी गाड़ी इधर ही घूमती, दोबारा वहीं आ गए तो यहीं तो सीधा हाथ वहां से होता है। अनलोडिंग में तो टाइम है यार, थोड़ी देर और चलाएं यार, थोड़ी देर और नहीं, अब बस मंडी का लाइव, ये अंधेरे तक का ही सही है मेरा ख्याल है। अब ये लाइव हम इंशाल्लाह दोबारा करते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे तो लाइव करूँगा, रात में लाइव करके देखता हूँ कुछ ब्लॉग्स के अंदर, तो लेट्स सी क्या क्या रिस्पांस रहता है। आप लोगों की खातिर ये किया है, आपकी अपनी मंडी है भाई, शहर में मंडियाँ लगती हैं 8 जगहों पर लगती है, लेकिन सबसे बड़ी मंडी यही रहेगी। और हम लोग भी निकलते हैं भाई अब यहाँ से, जहाँ निकालो जल्दी से निकालो, हम लोग भी जो है ना वो रास्ते ज़रा समझ लें, उसके बाद रात में एक लाइव करने की कोशिश करते हैं, रात में ज़रा और मंडी की शक्ल चेंज हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।